Hello, my tiny tots. Welcome to Deepal Kindergarten Howri Factory. Today, I'll be teaching you subject English. Alphabet Q. पहले हमने अलग अलग alphabets पढ़े हैं, बराबर? और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Alphabet Q. Letter Q. So take out your ample alphabet book. Page number 25. Letter Q. So let us start. Now what is this? This is Q. Q for queen. ये क्या है? Q for queen. What is this? Q for quail. ये क्या है? Q for quail. And this is Q for quiver. ये क्या है? Q for quiver. The same things are here on the blackboard and I'll let you know what are these things and what are this used for. और इनकी information क्या है? अब ये क्या है? Q for quail. Quail means क्या? Quail means एक bird है. इसकी एक short छोटी सी, मतलब छोटा सा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता है. Short body, लेकिन इसकी beak बहुत बड़ी रहती है. So quail is a bird. Now what is this? This is a quiver. ये क्या है? Quiver. अब quiver means क्या? आपको पता है? Quiver means क्या? It is usually used by archers. ये कौन use करता है? Archers. Archers means क्या? Archers means shooters. जो arrow से किसी भी चीज को, birds को, animals को shoot करते हैं. तो quiver क्या है? ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आप एरोस, डाल्स, जैवलियंस कैरी कर सकते हैं, मतलब आप इसको लेके जा सकते हैं. ये बेल्ट रहता है, इसको हम ऐसे हमारे स्कूल बैग के जैसे लटका सकते हैं और इसमें क्या रहते हैं? एरोस. पहले ये किसी को भी शूट करने को यूज किया जाता था, बट अब एज अ स्पोर्ट्स यूज किया जाता है. और हम इसमें कितने एरोस लेके जा सकते हैं? आइदर 3 or 7. अब हमारी पिक्चर में क्या है कि क्वीवर में 3 arrows है, राइट? सो दिस इज Q फॉर क्वीवर. एंड नाउ व्हाट इज दिस? ये तो सबको पता है, Q फॉर क्वीन. अब क्वीन के लिए क्या बोलू मैं? क्वीन कौन होती है? किंग की वाइफ, क्वीन. ये क्वीन का क्राउन और ये हमारी क्वीन. So, my dear children, have you understood the letter Q, which stands for Q for quail, Q for quiver, and Q for queen? So, now let us see how to write alphabet Q. Hum alphabet Q likhenge kaise? So, for that, you will need your 4-line notebook, that is your English notebook, pencil, and an eraser. So, let us see. अब हमको क्या करना है? यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और थर्ड लाइन पे ऐसे एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनानी है. ये क्या हो गया? कैपिटल क्यू. अब मिडल टू लाइंस में हम फिर से एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, फिर सेकेंड लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, फोर्थ लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे. ये हो गया स्मॉल क्यू. लेट अस सी वन मोर टाइम. हम लोग फर्स्ट 3 लाइन में एक सर्कल बनाएंगे, वी विल मेक वन सर्कल एंड देन ऑन द थर्ड लाइन इन बिटवीन ऑफ सर्कल, हम सर्कल में से थर्ड लाइन के बिटवीन में ऐसे एक छोटी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे. ये हो गया कैपिटल क्यू. और स्मॉल क्यू के लिए हम मिडिल टू लाइन, मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में एक कर्व बनाएंगे, फिर सेकेंड लाइन से लेके फोर्थ लाइन तक हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और स्टैंडिंग लाइन की एंडिंग से लेके ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे. सो नाउ दिस इज स्मॉल क्यू. सो माय डियर चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू? सो नाउ व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू टुडे? आज आपका होमवर्क क्या है?
आपको आपकी फोर लाइन की नोटबुक में, मतलब आपकी इंग्लिश की नोटबुक में कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू वन पेज लिखना है. यू हैव टू राइट वन पेज ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इन योर इंग्लिश नोटबुक. बाय बाय.